हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, ये जो आपके फ़ोन में ऐसे आपका जब फ़ोन लॉक होता है और आप ऐसे वेकअप करें अपनी स्क्रीन को, तो ये आप जो आपको वॉलपेपर ये बार बार चेंज कैसे हो सकते, जितनी बार आप करेंगे उतनी बार चेंज होगा और आप इस पर अपना फ़ोटो भी लगा सकते चेंज होते होते। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये रेडमी का नोट 9 फ़ोन है, तो इसमें आपको सेटिंग खोलनी है। सेटिंग खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। इंटरफेस के साथ आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन, जिस पर ताला बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक दिखे ग्लैंस 4 MI, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऑफ है इसको ऑन कर देना सिंपली। और आप यहाँ पे किस तरह की इमेज की कैटेगरी चाहते हो उसको आपको फॉलो करना है। जैसे मैं अभी गेम्स पे क्लिक कर रहा हूँ फॉलोइंग, और यहाँ पे चाहते हैं अपना फ़ोटो लगाना है तो गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद जितनी आप फोटो चाहते हो उसको सेलेक्ट कर देना है। मैं पर अभी अपनी गेमिंग पर सिलेक्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं अब वॉल पेपर चेंज होने लग जाएंगे। मेरे थोड़े नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको आप इग्नोर करें। देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर चेंज हो जा रहा है। तो कैसे ऐसे आप भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ़ करना है तो सिंपली वापस उधर जाना है, आपको दिखा देता हूँ ऑफ करना भी। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद लॉक स्क्रीन में ग्लैंस 4 MI इसको ऑफ कर देना है, बस सिंपली ऑफ हो जाएगा। आपसे पहले बार आप करेंगे तो कुछ गाइडलाइंस मारेगा, यानी कुछ फीडबैक मांगेगा आपसे, तो वो आपको सेलेक्ट कर देनी है बस, और फिर ऑफ हो जाएगा। तो अगर साथियों बस इतना ही, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो।